कैंट पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर व्यापारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि पुलिस अधिकारी बताकर रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटलों व अन्य दुकानों से फ्री में खाना व सामान लेने व पैसों की मांग करने तथा न देने पर आजीवन जेल में सड़ा देने की धमकी देने वाला अभियुक्त को मिर्च मसाला होटल रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अली शाह पुत्र महबूब हसन निवासी जाफरा बाजार मोहल्ला बस्तियार थाना तिवारीपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, चौकी प्रभारी रेलवे कुंवर गौरव सिंह, उप निरीक्षक शैलेंद्र शुक्ला, कांस्टेबल जगदीश सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए आज दिनांक 8/6/2021 को 5:10 पे इंस्पेक्टर कैंट के नेतृत्व में टीम ने अली शाह को गिरफ्तार किया है। ये पुलिस वाला बन करके जो रेलवे स्टेशन के आसपास के जो दुकानें होती थी, जो होटल होते थे, वहाँ पे फ्री में खाना खाता था, उनसे सामान खरीदता था और पैसे की मांग भी करता था और धमकाता भी था। इसके आपराधिक इतिहास भी रहा है। 2020 में भी एक मुकदमा इस पर रहा है 354 का और 504 का है, थाना तिवारीपुर में, और इसको मिर्च मसाला होटल रेलवे स्टेशन गोरखपुर के पास गिरफ्तार किया गया। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, इससे पहले भी ये ऐसा करता था कि पहली बार ऐसा हुआ? नहीं, ये ऐसा करता था, इसकी जानकारी जब हमें मिली तो हमने इस पर कार्रवाई की है। बट इस तरह का मुकदमा इससे पहली बार लिखा गया है, 327/21 है, धारा 388/420 IPC का है, थाना कैंट जनपद गोरखपुर में मुकदमा इस बार लिखा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।